इसमें जो ये चीजें है ना, ये सिर्फ डिजाइन का काम नहीं करती है। जब ये गाड़ी चल रही होती है ना, इंडिया की कोई होंडा सिटी बता दो जिसमें सीवीटी बता दो जिसमें ये वाला स्टीयरिंग लगा होगा। अगर ऐसा होगा ना, जो दिखाएगा और उसके पास होंडा सिटी होगी ना, मैं उसको ये खोल के मुफ्त दे दूंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी व्लॉग्स। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि आपको मैं इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा क्या क्या मॉडिफिकेशन उन्होंने करवाई है गाड़ी में, और क्या क्या इनको कंपनी की तरफ से और कितने की इनको गाड़ी पड़ी, कितने में मॉडिफाई हुई है। ठीक है, तो सब बताते हैं आपको। सबसे पहले तो यार, गाड़ी जब आजकल की डेट में बंदा गाड़ी लेता है ना, सबसे पहले देखता है सनरूफ। इसमें सनरूफ है, देख सकते हो आप, पीछे करो। और तो गाइस देख सकते हो, खुल गया बेचारा, ये सनरूफ ऐसे खुलता है इसका। यहाँ पे बटन है, इसको आप आगे कर दो तो ये बंद हो जाएगा खुद। तो सनरूफ का मैंने उसमें भी सोचा हुआ है, देखेंगे फ्यूचर में थोड़ा हुआ सिस्टम तो लगाएंगे। सनरूफ को बंद करते हैं अभी। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, उसमें ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और पैडल शिफ्टर है। गाड़ी बच गई उधर, वो गड्डी स्कूटी वाले भैया गिर गए, चलो आगे करो बंद। तो गाइज अभी कुछ हो गया था उधर एक्सीडेंट, हम सफारी की बात, सफारी की ही बातें कर रहे थे तो गाड़ी का उधर सफारी का ही एक्सीडेंट हो गया। तो डिग्गी भैया बताओ मुझे, आस्ते आस्ते बाहर से क्या क्या करवाया हुआ आपने? बाहर से हमने स्कर्ट्स लगाई हैं। ठीक है, कंपनी की स्कर्ट्स हैं, बाहर से ऑटोमेटिक। तो कितने की बड़ी स्कर्ट्स आपको? ये विद पेंट 55 की। 55,000 की कंपनी है, ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल कंपनी। ठीक है ठीक है ठीक है। घर पे पड़ा हुआ इतना बड़ा डब्बा आया था, क्योंकि जम्मू में था नहीं, बाहर से मंगाया आपने? बाहर से, दिल्ली से आया था ये। ठीक है। तो और बाकी बाहर से ये है इसका अपना जो रूफ स्पॉइलर है, लाइट वाला है, ये ऑडी का R8 जो आती है ना उसमें आता है ऐसा। अच्छा, ये उसका लगाया है या इसी का अपना आता है? नहीं नहीं, स्टाइल वो है, बढ़िया है इसी का। बोल ये कितने में पड़ा था? बोल उनके हैं, बता हम ये कितने में पड़ा था आपको? ये यार ये होगा कोई 7-8 हज़ार का होगा। 7-8 हज़ार का, ठीक है। और ये कोई है कामगारिंग के लिए ये कुछ? नहीं, कैमरे मेरे देख रहा हूँ दो लगे हैं शायद। ये है जूम कैमरा। अच्छा, ठीक है, जूम कैमरा, ताकि ये यहाँ का बता पाए। ठीक है, मतलब कि पास वाले चीजें बताए। ठीक है, ये है वाइड एंगल जो पूरा गाड़ी का पूरा पीछे बताए। ठीक है ठीक है। वो ये आपने अलग से लगवाया होगा? कंपनी का आता है ये अलग से लगाया हुआ। अच्छा, ये अलग से लगाया, ये सेंसर के साथ लगाया। ठीक है, और क्या करवाया? टेल लाइट आ गई, चेंज करवाई है। हाँ, जैसे अब वो गाड़ी आती है BM की 3 सीरीज। ठीक है, मैं BM का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैंने जो ये लाइट लगाई है BM स्टाइल लगाई है। तो BMW कब ले रहे हो? नहीं है यार। आप बोल रहे हो पैसे नहीं है, फिर हम तो फिर डूब मर जाए। इतने मतलब पैसे नहीं, क्योंकि मेरी जैसे नहीं नहीं, वैसे अभी थोड़ा सा समझ, मैं भाई आपका समझ सकता है। ये 15 की ली थी, इसमें 5 खर्चा है, वो 50 की लूंगा उसमें, तो उसमें वही चीज है। ठीक है, तो ये नीचे अलग से लगाया या आता ही है साथ? ये रिफ्लेक्टर, ये मैंने बात। तो उसके अलॉय टायर जो मैं देख रहा हूँ मोमो के, आपने ओरिजिनल डलवाए हैं यहाँ? ये भी चक्कर पता क्या था, पहले मैंने प्लाते का डलवाया हुआ था। ठीक है, काफी अच्छे चले हैं वो, ऐसे कंप्लेंट कोई नहीं थी उसमें, काफी अच्छे चले थे। पर मेरे को इशू ये आ रहा था कि मैं करता था डेली जम्मू डेली ऐसे करता रहा हाईवे पे, तो इसकी जो ब्रेक्स थी ना वो बड़ी जल्दी खत्म हो रही थी। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद मैंने स्टडी की कि जैसे आगे है ना डिस्क कि पंगा क्या आ रहा है, वो आ रहा था कि मेरी डिस्क जो थी वो गर्म रहती थी ज्यादा, इसलिए मैंने डिस्क भी चेंज करा दी थी। उसके बाद वो ब्रिम्बो की लगा दी थी अच्छी वाली। अब ये देखो, ये अलॉय है ना जो, ये हवा डिस्क के ऊपर ही फेंक रही होती है ताकि डिस्क भी ठंडी रहे, तभी ये छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं। हाँ, ये मैंने इसलिए मिसमो लगाया था। और ये वाला जो अलॉय है ये उस टाइम पे नहीं था यहाँ पे। इसमें दो डिजाइन आते हैं, एक आता है स्पाइडर डिजाइन, ठीक है, एक आता है मिसमो। स्पाइडर होंडा के लिए आता नहीं है, इसलिए मिसमो लगाया था। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत गाड़ी की जो लुक को ना एक बहुत अच्छा जो एनहांस दे रही है चीज़, ये ब्लैक वाइट के साथ, ब्लैक अलॉयज के साथ। और क्या करवाया हुआ आपने? और फ्रंट लाइट, हाँ चेंज है। हाँ, ये फ्रंट लाइट भी BM स्टाइल ही है। इसके अंदर जो LED है, जो LED है ना, ये डली हुई है मैक्स लिंक की R8, ये 10,000 की एक है। और ये जब ऑन कर, मैं लो बीम पे गाड़ी चलाता हूँ, हाई बीम मैंने सिर्फ डिपर मारने के लिए करता हूँ। जब वो डिपर ही मारता हूँ ना, आगे वाला गाड़ी तक यार बंद कर इसको। तो ये लाइट्स भी बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही हैं, और फ्रंट में भी कैमरा। भाई ये बाद में लगवाया है, पहले से था? ये भी बाद में लगाया, वो 360 बनाना होता ना पूरा। अच्छा 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 अच्छा, वो बनाया। इसकी जो बॉडी किट थी उसके साथ इसका वो आता था, ग्रिल भी आती थी, वो नहीं चेंज कराई, ग्रिल पसंद नहीं थी, तो उसकी ग्रिल की जगह मैंने स्पॉइलर ले लिया था उनसे। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया लुक जो आती है। और मैं आपको वापस अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाता हूँ एक बार। तो स्टीयरिंग वाली साइड चलते हैं, क्योंकि इनका स्टीयरिंग जो है ना, ओह इंडिया बता दिया भाई ने। फिर से बोलेंगे अभी जब अंदर बैठेंगे हम।
चैलेंज करता हूँ क्योंकि एक दो वीडियोस में ना कमेंट आए थे कि उसकी होंडा सिटी देखो, उसकी होंडा सिटी देखो, तो यार उन्होंने भी अपना टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया उस होंडा सिटी में, एंड मेरे को पसंद भी आती है, बहुत सारी होंडा सिटी जो पसंद आती है, पर जो ये स्टीयरिंग है ना इसमें, ये स्टीयरिंग पोलो में देखा होगा आपने, एंडेवर में भी देखा होगा, उसमें ये एलईडीज नहीं होती है, ठीक है, एंडेवर में देखा होगा, पोलो में देखा होगा, बीएम में देखा होगा, ऑडी में देखा होगा, और उसके बाद लैम्बो में देखा होगा, या मतलब आर एट वगैरह में देखा होगा। होंडा सिटी पूरे इंडिया में नहीं थी, ये वाला स्टीयरिंग किसी के पास नहीं था। जब ये आया था ना तो उसने बोला था कि भैया पहले मेरे को ना ओपन करने दो इसको, मेरे को वीडियो बनाने दो, क्योंकि होंडा सिटी का आज तक किसी ने मंगवाया ही नहीं है। अच्छा, ये वाला स्टीयरिंग? ये वाला स्टीयरिंग नहीं मंगवाया हुआ। अच्छा, तो स्टीयरिंग कितने का पड़ा? 75। इसका भाई लड़की को गाड़ी सिखा रहा है। ब्रेक दबाई में बता दिया उन्होंने, ले जाएंगे नहीं मैंने गाना। तो गाइज उसके बाद इन्होंने जो अंदर से ज्यादा मॉडिफिकेशन, मुझे लगता है अंदर से बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई है, तो अंदर से इन्होंने क्या क्या कराया। सबसे पहले तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये 10 इंच ही है शायद, 11 इंच है, और ये साथ में वो नहीं है, चाइनीज नहीं है, ये कंपनी का ही है, मेड इन ताइवान है ये, और इसकी जो रैम है वो 8GB है। 8GB? हाँ, 8GB वाला आपको नहीं मिलेगा। 6GB सुना है, 6GB भी लोग ऐसे डायल मार के बोलते 6GB है वो, 8GB ये मिलेगा ही नहीं। मैंने दो मंगवाए थे, उसमें से यही एक ले पाया था मैं, स्कॉर्पियो पे लगाया था, लेकिन वो बजट में बैठा नहीं था कुछ। ये कितने का पड़ गया था आपको? सिर्फ पैनल जो था ये था आई थिंक 31 का या 27 का, दोनों में से कोई एक था, क्योंकि दो आए थे ना, तो दोनों का रेट अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्विच लगवाया शायद? ये तो यार वो लैम्बो स्टाइल आ गया ना। अच्छा, मतलब ये, अच्छा ये अपना स्विच है, इन्होंने ऊपर डिजाइन लगाया वो ऊपर से, ठीक है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद सबसे प्यारा तो इसका स्टीयरिंग है, और उसके बाद ये है ऑटोमेटिक गियर, ठीक है। ऑटोमेटिक गियर लेने का जो रीजन है वो मैंने शायद पिछले वीडियो में बता दिया, बट फिर से मैं बोलूंगा, भाई को एक्सप्लेन कर दो। पैडल शिफ्टर्स क्या काम आते हैं भाई? यार जब आप नॉर्मल क्रूज कर रहे हो ना, तब तो आप चलो नॉर्मली क्रूज कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। जब आपने ओवरटेक करना है किसी को, या आप पहाड़ों में जा रहे हो, या आपको इंस्टेंट पावर चाहिए गाड़ी की, अब आप ऑटोमेटिक है ना, सीवीटी है, रेला दोगे इसको, ये आराम से मतलब रोला पा देगी कि मैं आ गई, लेकिन आना इसने धीरे धीरे करके, क्योंकि इसने गियर रेशो अपना वैसे बनाना है, ठीक है। तो उसमें पैडल शिफ्टर दे दी, तो मैं टक 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 माइनस कर दो, गाड़ी नीचे आती, गियर डाउन होता है और गाड़ी भाग के जाती है, फिर ये नहीं रुकती है, ठीक है। मतलब हर एक चीज का ना इन्होंने एक रेसिंग सिस्टम जैसा कुछ बना के इन्होंने किया हुआ, बाकी इकोनॉमिक लाइक एवरेज के लिए होती है। गाड़ी की एवरेज कितनी देती है डिकी भाई? यार मेरे को देती है ये 10 से 12। 10 से 12, ठीक है, बहुत बढ़िया है। वही ना, सिटी में दे रही है तो 17 की एवरेज बार दे रही है, प्लेन में लोगों को देगी यार ये, क्योंकि मैं तो थोड़ा आरपीएम हाई रखता हूं, 14 13 14 13 14, आपको मेरे को 15 देती है। तो आप इन्होंने जो है अपना वेल्वेट्रॉनिक जो एक वो लगाया हुआ बोरला का स्पिटफायर, तो मैं आपको रेस देके दिखाता हूं। तो आपको अंदर से भी आवाज आ रही होगी, तो मैं एक बार बाहर से भी दिखा दूंगा आपको आवाज। बाकी ये देख सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे डिजिटल है सारा, आरपीएम आ रहा है, रियल टाइम आरपीएम है ये, ठीक है, आरपीएम है ना उधर, उतना ही दिखा रहा है, स्पीड भी दिखाता है ये, ठीक है। देन फिर ये बता रहा है कि टेंपरेचर, बैटरी है उसका टेम्परेचर कितना है, बैटरी कितने परसेंट यूज हो रही है। ये फिर कनेक्ट होता है किसी के साथ? हाँ, ईसीयू के साथ कनेक्टेड है ये। अच्छा, ईसीयू के साथ कनेक्टेड है, ये हमने जुगाड़ नहीं किया कुछ भी, ये आता है, ये इम्पोर्टेड है थाईलैंड से। तो ये क्रूज वाला सारा वर्किंग है? ये सारा कुछ वर्किंग, सब कुछ वर्किंग उस टाइम आता होगा क्रूज वाला सिस्टम। हाँ, ये सारा ओरिजिनल ही है इसका, ये हॉर्न, ये बटन्स वगैरह, ये सारे। और डिग्री आप मुझे अपनी गाड़ी का ना कुछ एक ऐसी चीज बता दो जो मतलब कि बहुत यूनिक हो, जो आपकी गाड़ी में आपको देख के लगता है कि हाँ ये चीज मैंने यूनिक कराया हुआ है। यार सब कुछ ही लगता है, वही मुझे लग रहा था कि स्टीयरिंग बोलोगे आप, स्टीयरिंग, क्योंकि इन्होंने एक क्लेम कर दिया कि यार ऐसा स्टीयरिंग पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, इंडिया की कोई होंडा सिटी बता दो जिसमें सीवीटी बता दो जिसमें ये वाला स्टीयरिंग लगा होगा। अगर ऐसा होगा ना, जो दिखाएगा और उसके पास होंडा सिटी होगी ना, मैं उसको ये खोल के मुफ्त दे दूंगा। ओ देखो, अब सर्च कर लो, अच्छे से ढूंढ लो, मिल ही जाएगा। ये देखना कि ये वीडियो जब अपलोड होती है उसके बाद वाली वीडियो मत भेजना, क्योंकि इसकी देख के कोई नहीं बट डाल के तो ये लेने के लिए फ्री मंगा ले, बोले एक के साथ एक फ्री है। तो इन्होंने जो है मैटिंग भी एक बकेट टाइप करवाई हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, और टॉप गियर की है ये। हाँ, तो आप देख सकते हो इसमें ऊपर की कोई नहीं आती, इससे ऊपर कोई भी नहीं आती। तो एक बार मैं अपने दोस्त को बोलूंगा कि पीछे जाके सलेंसर की वो
तो गाइज इस गाड़ी में मैं पहली बार बैठा हूँ और पहली बार बैठ के और पहली बार चला के बहुत ही अच्छा जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है। बाकी आपको हमने इन दोनों गाड़ियों की जो डिफरेंस बिटवीन बता दिया था कि इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या हम डिफरेंसेस हैं मेरी होंडा सिटी और इस होंडा सिटी में। तो बाकी फ्यूचर में हम भी मॉडिफाई कराएंगे। और डिगी भाई अब आपने क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखा हुआ कि ये चीज मैंने फ्यूचर में मॉडिफाई करवानी है इस गाड़ी में? यार होंडा में ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, इसका सिर्फ जो ECU है ना उसको रीमैप करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका है CVT गियरबॉक्स, इसमें रबर बैंड इफेक्ट आता है। अच्छा, तो उससे होता क्या कि अगर इसका मैं रीमैप करा भी देता हूँ 10% ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पावर पे। अभी इसका जो एयर फिल्टर है वो चेंज है, एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज है, इनफैक्ट मैंने RC में भी चेंज करवा दिया हुआ है क्योंकि कहते हैं ना कि RC में अगर नहीं होगी वो चीज तो इलीगल है। RC में कैसे चेंज कराया? करवाया मैंने पूरा, उनको पेपर वर्क दिया, भैया मैंने ये चीजें करवाई हैं इस गाड़ी में, स्पोर्ट्स मॉडल है ये गाड़ी का, तो उनको RC में सब कुछ लिखा हुआ होता साफ साफ कि भाई ये CVT है, ऐसे से सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं चाहता कोई भी। ठीक है, तो मतलब कि ये मॉडिफाइड होने के बावजूद भी ये लीगल है ना, इसके अलॉय टायर बाहर है ना इस, और जो क्लेम जो आजकल का रूल है कि आप एक साइज अपग्रेड करवा सकते हो तो अलॉय भी एक ही साइज जो है अपग्रेड है, सेम साइज है क्योंकि जो होंडा आ रही है उसमें 16 आता है। ठीक है, वो 16 है, ठीक है 17 तक भाई जा सकते हैं बट नहीं गए क्योंकि इन्होंने एक किस्म का रेसिंग टाइप बनाया हुआ और गाड़ी की बहुत स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा सही है। और डिग्गी पे जब तेज चलाते हो तो ये स्टेरिंग तो नहीं है वॉबल करता? ये गाड़ी पूरी 220 जाती, 220 से ऊपर भी गई है। मैं नहीं करता, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। हमारी गाड़ियां क्यों करती हैं यार, वो मतलब थोड़ा पुराना हो गया ना। नहीं नहीं फिर भी कहते हैं कि नए अलॉय टायर डलवाओ तो करता है बबल, डिपेंड करता है अलॉय कौन सा और टायर कौन सा। वेट जैसे इसके सारे अलॉय जो है ना, सारे टायर सबका वेट सेम है, जो व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं ना उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, पर इसका वेट भी तो मोमो के हैं कुछ, मतलब की सोच के उन्होंने बनाया वो ये कुछ लाइक की कुछ चीज को देख सुन के बनाया। पैसा दिया है कितने के थे ये? आई थिंक 57 का अलॉय था सिर्फ, और 52 का एक टायर पड़ा था डिस्काउंट डाल के। डिस्काउंट मैंने लिया था कि मैं साहब बोला, मैं देख अलॉय मैंने लिया, अलॉय महंगा था उसने, उस पर भी डिस्काउंट दिया था छन्नी में यूनिवर्सल व्हील्स। अच्छा, तो अलॉय उससे लिए थे मैंने, और एक है GS व्हील्स ग्रेटर क्लास में, ग्रेटर क्लास में हाँ आशिम। तो यही दो है मेरे जिनसे मैं टायर्स लेता हूँ, अलॉयज लेता हूँ क्योंकि ट्रस्टेड है, काफी देर से ले रहा हूँ तो अच्छे हैं ये, काफी अच्छे हैं। और ये नई चीज रिस्क भी लेते हैं, नई चीज भी लाते हैं और सर्विस बहुत अच्छी मिल लेता है जम्मू में। लाइक कि वो सेकंड के फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही आते हैं जो GS व्हील्स ये बता रहे हैं, उनके पास डिजाइन बहुत मिल जाती है बहुत ज्यादा। GS व्हील्स को मतलब बहुत वैरायटी है उसके पास भी यार, और जो यूनिवर्सल है ना वो मोमो अलॉय हो गया या अब उसने और भी एडिशन की है उसमें, ये दोनों जो है जम्मू के ये बहुत अच्छे हैं। और हमारी एज के हैं ना, हमसे छोटे हैं, जो यंग जनरेशन होती है ना उनको उसको क्रेज होता है, पता भी होता है, जो पुराने बैठे हुए हैं उनको तो एक्सपीरियंस है, वो देखेंगे जो मार्केट में चल रहा है, वो ये वो देखेंगे प्रैक्टिकल क्या है, वो चीज देखते हैं प्रैक्टिकल क्या है, लोग डिमांड किसी कर रहे हैं ये, वो रिस्क फैक्टर इतना ही लेते हैं। तो साथ में ना आजकल तो काफी सारी शॉप्स आ गई हैं बट वो काफी पुराने, मैंने काफी देर पहले से देखा, उन्होंने काफी देर पहले ही शॉप खोल दी बट आजकल तो बहुत सारी शॉप्स खुल गई हैं। चलो ठीक है, फिर ये वीडियो भी इधर ही एंड करते हैं, इसके बाद चलते हैं हम। मेरे लगता है जब ये वीडियो में डाल रहा हूँ तब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा कट फट हो रहा होगा, बट चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चलो फिर।